अस्सलाम वालेकुम। तो क्लीन शेव में आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं अली ही हूँ। तो अब बात इस तरह है कि मुझे नहीं पता था लॉकडाउन में कहीं बाहर जाना पड़ेगा, मतलब कि आउट ऑफ स्टेशन। मैंने तो क्लीन शेव इसलिए करा ली थी, मैंने कहा घर में बैठना है, किसने देखना है। खैर अब फैसलाबाद जाना पड़ेगा, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़। अरे भैया, इसके बगैर तो लाइफ आजकल अधूरी है ना। पहुंच गया हूँ। तो रास्ते में मैंने शॉर्ट्स इसलिए नहीं बनाए, आप सोच रहे होंगे कि इसने क्यों नहीं बनाए। एक्चुअली अगर अब्बू साथ बैठे हो ना तो बहुत मुश्किल होता है आपको ड्यूरिंग ड्राइविंग मोबाइल यूज़ करना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो कोई काम है नहीं करने को, तो देखते हैं कुछ करते हैं। जब रास्ते में आ रहा था तो FM रेडियो में एक डॉक्टर बैठे हुए थे जो बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो रिंग्स और ये वॉचेस और ये जो ब्रेसलेट घड़े वगैरह है ना, इसको आप अवॉइड करें कुछ दिन, क्योंकि ये भी कोरोना वायरस के तरफ से कोई ख़तरा बन सकता है। तो अब डॉक्टर्स की बात हमें तो माननी तो चाहिए, तो हम उतारेंगे और चलते हैं। हसन ने कोई इंतज़ाम किया है पतंगबाजी, वो देखते हैं कि क्या सीन। आपको पता है कि ये होता है इलीगल काम, पतंगबाजी करना, तो हम ये काम नहीं करेंगे। हम चलते हैं अफ्तारी लेने। गाड़ी पे किसने कहा है, बाइक पे जाना है। आपका भाई आया था अफ्तारी की चीज़ें लेने, तो मुझे लगता है आज अफ्तारी सिंपल चीज़ों से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बाजार में इतना रश है, यहाँ पे कोई एहतियाती तदाबीर नहीं कर रहा, और मुझे लगता है वहाँ पे जाना पड़ेगा। और आप रश चेक करेंगे, हॉर्न चेक करें ज़रा। बाजार में आपने देखा कितना रश था, कोरोना का तो कुछ किसी को पता ही नहीं है ना। तो मैं इधर गुड न्यूज देने आया था, तो अब मैं गुड न्यूज नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगा, क्योंकि मेरे से गुड न्यूज नहीं दी जा रही ये सब कुछ देखने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।